नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हर तरह से भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही। एक है नापाक पाकिस्तान और दूसरे हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद। तभी तो उन्होंने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो किसी को भी रास नहीं आया और वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गए। दरअसल इन साहब का ट्वीट ही कुछ ऐसा था कि ट्रोल तो इनको होना ही था, क्योंकि भले ही ये दोनों कश्मीर और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की सच्चाई को ना जानते हों, लेकिन दुनिया हर फोरम पर इस मुद्दे पर भारत के साथ ही खड़ी नजर आ रही है। दरअसल मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करके कब्जा किया है। इसके बाद वो कहते हैं भारत को इस मुद्दे के समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ काम करना चाहिए। भला ये हमें क्यों बता रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। बस यही ट्वीट महातिर मोहम्मद की तरफ से आना था कि वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गए। एसएस सिंह ने महातिर मोहम्मद को जवाब दिया है, लिखते हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप संकल्पों को ठीक से पढ़ें। अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो कुछ विशेषज्ञों की मदद लें। जम्मू कश्मीर के इतिहास और उसके बाद के घटनाक्रम और समझौतों को पढ़ें। खैर, भारतीयों को मलेशिया जाने से पहले दो बार सोचना चाहिए, पहले जाकिर नाइक और अब ये। वहीं संजीव कुमार लिखते हैं, आतंकियों का समर्थन करने वाले को अब बर्बाद करने का समय आ गया है, भारत को मलेशिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। वहीं एसएन मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आप भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्र हित के लिए क्या किया जाए ये बताने वाले आप होते कौन हैं? कुछ यूजर्स ने तो बॉयकॉट मलेशिया हैशटैग का भी इस्तेमाल किया, तो कुछ लोगों ने मलेशिया को अपनी पर्यटन लिस्ट से हटाने की अपील कर डाली। तो कश्मीर पर मलेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद की कोई भी बात लोगों को पसंद नहीं आई, और ये वही महातिर मोहम्मद हैं जिन्होंने नफरत फैलाने वाले इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को शरण दी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाइक की तलाश है जो 2016 में भारत से फरार हो गया था। अब उम्मीद है कि महातिर मोहम्मद इस सब के बाद तो भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचेंगे या फिर एक बार सोचेंगे जरूर।